लाख किताबें को नुकसान पहुंचा है। उदस्ता अम्फान और आयास में 12 करोड़ का नुकसान यहाँ हुआ है। इस बारे में हमारे फंड से हम लोग इसको भराने की कोशिश करेंगे। इस साल खुशी है कि सीएम मैडम और फाइनेंस ने हमारे लिए बजट कुछ बढ़ाया। टोटल बजट 381.56 करोड़, इसमें 28.86 करोड़ रुपया इजाफा हुआ। इस इजाफा में हम काफ़ी काम कर सकते हैं और इसमें लाइब्रेरी बंद हम खोलने के लिए हर वीक को, सोमवार को और बुध को हफ्ते में 2 दिन अभी खोलेंगे। जहां पढ़ने वाले 20 थे वहां आधा, 10 थे तो 5। कोविड सिचुएशन को मान करके हम उसको चलाएं। इसी तरीके पर हमारे यहाँ यानी खुसूसी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, इसी तरीके पर अपने बदन में कमजोरी है, कहीं आँख की कहीं कान की। कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं, माँ बाप उसको पढ़ाते नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे 774 बच्चे को रख करके हम लोग दोनों कोविड में 4.14 करोड़ रुपया खर्च करके उनकी तालीम हमने दी है। अभी तक हमारी तामील में है और कहीं उनको नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोविड बीमारी पकड़ा। ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी देखभाल और हम लोग के नज़र के वजह से एक बहुत बड़ा काम वहाँ हुआ। इसके लिए इस और अभी 747 रिक्रूटमेंट सात सौ अड़तीस रिक्रूटमेंट हमारे दफ्तर में गुजरते इलेक्शन से पहले कैबिनेट में हमारे ममता बनर्जी सीएम ने मंजूरी दी है। ये रिक्रूटमेंट हर जिला में डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट होगी, बहाली होगी। जो ग्रामीण गांव देहात में जो लाइब्रेरी है उसके जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इसके लिए जो कानूनी चाराजोई है वो हम लोग धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ 35,416 किताबों को हमने डिजिटाइज किया है, यानी इसको मशीन में बंद करके रखा है। पूरी जब तक ये मशीन ठीक ठाक रहेगी ये किताब बहाल है, ये किसी स्टेट में ये नहीं है। ये बंगला ज़ुबान में मुख्तलिफ किताबें हैं, इसके अलावा अंग्रेज़ी में, संस्कृत में और भी उर्दू ज़ुबान वगैरह में ये किताबें ही यहाँ जब ये हमारे दफ्तर का बहुत बड़ा है। हम लोग ई लाइब्रेरी के बारे में बात पायलट प्रोजेक्ट लिया है, जहाँ अरे ई बुक खरीद करके वहाँ रखा जाएगा और उसको आप घर बैठे बैठे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे किस सब्जेक्ट में किस किताब कौन सा क्या चाहते हैं। हमारा दफ्तर एक वो पायलट प्रोजेक्ट में कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन बालीगंज में एक है, एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है लाइब्रेरी वहाँ, बालासात में एक, ताकि हसनाबाद में एक और बाली है। इसमें एक नया रोल, एक नया प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए हम देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अहम मसला है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं भी आप किसी इशू पर किताब लेना चाहें, देना समझना चाहें, दुनिया भर में अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं जाना चाहे, तो ई बुक के ज़रिए से समझ गए तो आप जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तमाम बातें हम लोगों ने आज फैसला किया है दफ्तर के ज़रिए से, और तकरीबन 12 करोड़ का नुकसान हमारा दोनों तूफान में हुआ है और 9,56,775 मेंबर हमारे हुए हैं।
मेंबरशिप में फ्री है, पहले मेंबरशिप में पैसा देना पड़ता, अब फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बच्चे के लिए और बड़े के लिए, मुअम्मर के लिए और ग्लोबल मेंबरशिप। ये ऑलरेडी 956,775 हम लोग बना चुके हैं, इसको आई कार्ड हम देंगे और इसमें वो लोग फ्री होकर हमें, और हम लोग जहाँ बैठे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में 12 कंप्यूटर है, फ्री एक्सेस करते हैं। ऊपर हायर एजुकेशन के बच्चे आते हैं, किताब लेकर पढ़ते हैं, ये एक रीडिंग रूम है, वो अखबार वगैरह पढ़ते हैं, ये तमाम फैसिलिटी यहाँ है। हम चाहेंगे मीडिया के ज़रिए से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और आइंदा 31 अगस्त को लाइब्रेरी डे मनाया जाएगा और 31 अगस्त को हम लोग, 31 अगस्त नहीं, जाड़े में सर्दी में बुक फेयर करते हैं। ये बार बुक फेयर हो सेटाओ सिद्धांत सारा राज्य हो कि भावे होवे ना होवे कत जन होवे सेटा आमरा पोरे देबो देरी आछे ওটা আমাদের মধ্যে না, আমাদের মধ্যে আমাদের মুক্তিতে যা আছে আমরা স্টেট লেভেলেও করব এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও করব। হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের হবে এবং কলেবার কেমন হবে সেটা আমরা পরে পাবলিশারদের সঙ্গে মিটিং করে তার একটা ক্যালেন্ডার তৈরি হবে, সরকারি সরকারি লেভেলে হবে। হ্যাঁ, সরকারি সরকারি হ্যাঁ, শীতকালে হবে, দেরি আছে, তবু আগের থেকে আমরা বললাম সেটা হবে আপনাদের পক্ষে সুবিধা। আপনি স্যার একটা কথা বললেন যে রিক্রুটমেন্টের কথা, তো ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্টের জন্য কত রিক্রুটমেন্ট আছে? ডিটেলস আপনি জেনে নেবেন 737টির মধ্যে কোন জেলা কত, এত মুখস্থ করে আমি কী করবো, জেলাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলে।